क्या प्रॉब्लम है आपके? क्यों कर रहे हैं सब कुछ? क्या कर रहा हूं मैं? मैं तो बस अपनी बांसुरी बजा रहा हूं। अब इससे भी दिक्कत हो गई है तुम्हें? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूं मिस्टर त्रिवेदी। इतना भोला बनने की कोशिश मत करिए। अरे मैं भोला बनने की कोशिश थोड़ी ना कर रहा हूं। मेरी शक्ल देख रही हो तुम? भोला भाला सा, सीधा साधा सा तो दिखता हूं, नहीं? और तुम बोलना क्या चाह रही हो? क्या कहने का मतलब है तुम्हारा कि मैं अच्छी तरह जानता हूं? क्या जानता हूं मैं? ओ, समझ गया, समझ गया मैं। नहीं ना कि मेरे बांसुरी के सुर के जो तार हैं तुम्हारे दिल से जुड़े हैं। और तुम अपने आप को रोक नहीं पाती हो। तुम्हारे पैर चलने लगते हैं और तुम मेरी तरफ खींची चली आती हो। यही ना, यही जानते हैं ना राधा? तुम पहले ये तो डिसाइड कर लो कि तुम मुझसे लड़ना किस बात से चाहती हो? किस बात को लेकर नाराज हो तुम? इस बात को लेकर कि मैंने ये बांसुरी बजा दी, जो इनफैक्ट तुमने मुझे दी थी, याद है ना? ये हमने अपने हाथों से बनाया मोहन जी। आशा करते हैं कि आप दोबारा इसके साथ सुरों को अपना कर अपने आप को खुशी का एक और मौका देंगे। या इस बात से कि मैंने तुम्हें उस प्यार की याद दिला दी जो तुम्हें मुझसे हुआ था और जो आज भी तुम मुझसे करती हो, याद है ना? हम बरसाने की राधा अपने तन मन धन से मोहन जी से प्रेम करते हैं। हाँ, हुआ था मुझे आपसे प्यार, और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी मिस्टर त्रिवेदी। अपना सब कुछ खो दिया था मैंने उसके बाद। राधा, आज से तुलसी इस कमरे में रहेगी। मुझे तुमसे कुछ चाहिए था। बोलिए ना, मुझे क्या चाहिए? तुम्हारा मंगलसूत्र प्लीज इसे दे दो, ये तुलसी की अमानत है। तभी तो मैं आपको और आपके प्यार को छोड़कर गई थी ना। आज से खत्म राधा मोहन का रिश्ता, खत्म उनकी कहानी। देखिए, मैं आपको लाख बार समझा चुकी, मुझे आपसे प्यार नहीं है मिस्टर त्रिवेदी। नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। मैं जानता हूं कि तुम जो हो ना, तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं करती। करती हो तुम प्यार मुझसे? नहीं करती, नहीं करती, नहीं।